بسم الله الرحمن الرحيم गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली आए। है मेरी आन मेरी शान मेरे दिल की सदा जब नूर से चमका काबा फिर कदम बिनते असद ने सुए काबा रखा दर बना एक नया टूट के काबा बोला मुरसल ये जमाने को उसूल जो हलाली है करेगा वो विलायत को कबूल पग है खून तो लब पर यही नारा होगा ने कहा जिसको वली अब ही शेर खुदा शेर नबी मौला अली जब सवाल आख के मजमे में पयंबर ने कहा अर्श वाले भी तेरे दर पे चले आते हैं रोटियां घर से तेरे अर्श पे ले जाते हैं कहते हैं सदका जहरा में हमें रिस्क मिला ख्वाजा शाहबाज कलंदर तेरे गुन गाते हैं और मलंगा भी मुकसिर को यूसुल गाते हैं सबके होठों पे कसीदा है तेरा नाम तेरा अहमद पे ये मेराज पे जा कर के खुला रब्बे अकबर ने तेरा ले जा लिया हाथ लिया सामने सारे सहाबा के ये अहमद ने कहा आयतों से सजा रहता है तुम्हारा आंगन दुश्मन अहमद मुरसल है तुम्हारा दुश्मन जो नबी का नहीं है दर का नहीं हो सकता राज की बात सुनो करता है सज्जाद बया अर्श पर रब ने मोहम्मद को बुलाया तो वहाँ अत है दिल का तदानिश तो पयंबर ने कहा सैफुल्लाह असदुल्लाह आयतुल्लाह हुजतुल्लाह शेर खुदा के बाद गैबत देखने में ये भी मंजर आएगा।
मैं सब कहते तीसरे चौथे मिसरे से मेरे साथ रहिए, मैं कहूंगा दूसरे मिसरे से मेरे साथ रहिएगा, इसलिए कि हर कोई ये कहता है कि जब इमाम आएंगे तो खाने काबा पे आलम लगाएंगे, लेकिन मैंने इससे थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश की है, अगर आपके अकीदे तक पहुंचे तो मेरे साथ रहिएगा कि बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा, बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा जौन पहले मरकजे सहारा बनाया जाएगा, बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा जो अभी खामोश है वो भी इंशाल्लाह बोलेंगे, बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा जौन पहले मरकजे सहारा बनाया जाएगा, खामोश काबा पर भी और रोजा सहारा पर भी दो जगह अब्बास का परचम लगाया, बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा, बाद गैबत देखने में यह भी मंजर आएगा जौन पहले मरकजे सहारा बनाया जाएगा, जौन पहले मरकजे सहारा बनाया जाएगा, खाने काबा पर भी और रोजाए जहरा पर भी दो जगह अब्बास का परचम। देखिए जब आप बिल्कुल बेदार हो जाएंगे मैं शायर आपके समाजों के हवाले कर दूंगा, ये मिसरे मैं बिल्कुल आहिस्तगी से पढ़ता हूं और देखता हूं कि आप कितनी मेराज पर हैं, ये कहेगा देख के एक दो जख्मी को ये इबलीस, कहेगा देख के एक दो जख्मी को ये इबलीस, फिर सुनिए मिसरा, कहेगा देख के एक दो जख्मी को ये इबलीस, ये कौन मुझसे बड़ा भी खुदा का मुजरिम है, खुदा की कसम अगर तीसरा चौथा मिसरा आप तक पहुंच गया तो अपनी जगह ना बैठे रहेंगे, कि कहेगा देख के एक दो जख्मी को ये इबलीस, ये कौन मुझसे बड़ा भी खुदा का मुजरिम है, निदा ये आएगी शैतान मत ताज झुककर, ये वही शख्स है जो फातिमा का मुजरिम है, कहेगा देख के एक दोज़खी को ये इबलीस, ये कौन मुझसे बड़ा भी खुदा का मुजरिम है, निदाई आएगी शैतान मताज झुककर, ये वो ही शख्स है जो फातिमा का मुजरिम है, एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा, कौन सा होगा मंजर सुनिएगा नौजवानों, एक मंजर हश्र में ये भी दिखाया जाएगा, सामने शैतान के शैतान लाया जाएगा, एक मंजर हश्र में यह भी दिखाया जाएगा, एक मंजर हश्र में यह भी दिखाया जाएगा, सामने शैतान के शैतान लाया जाएगा, हम जलाते हैं तो तुम करते हो जलकर एतराज, रोक लेना जब जहन्नम में जलाया, रोक लेना जब जहन्नम में जलाया जाएगा, सुन के मैं नामे अली मुस्कुराया यूं अकील, सुन के मैं नामे अली मुस्कुराया यूं अकील, बात है मेरा लहू इजहार होना चाहिए, हर किसी को दौलत इश्क़ अली मिलती रही, पहले माँ को साहिब किरदार, हर किसी को दौलत इश्क़ अली मिलती नहीं, हर किसी को दौलत इश्क़ अली मिलती नहीं, पहले माँ को साहिब किरदार होना चाहिए। आने वाले शायर के चार मिसरे आपके गोश गुजार कर रहा हूँ और अपनी बेदारी का सबूत दे दीजिएगा कि जब लेके आलम आपके शोरों पे चले हम, जब लेके आलम मिसरे की जब तक दाद नहीं मिलेगी मैं यही पढ़ता रहूंगा, जब लेके आलम आपके शोरों पे चले हम, जब लेके आलम आपके शोरों पे चले हम, जब लेके आलम आपके शोरों पे चले हम, खुद जलती रही आग जरा भी न जले हम, जब लेके आलम आपके शोलों पे चले हम, खुद जलती रही आग जरा भी न जले हम, बनवाए अगर बिनते पैगंबर का भरोसा, दुश्मन से भी तैयार है मिलने को जले हम। आइए हजरात, बनवाए बनवाए अगर बिंद पैगंबर का वो रोजा, दुश्मन से भी तैयार है मिलने को गले हम। आई हजरात ऐसे मिसरों के खाली मैं हर में इंतमास लेके बढ़ता हूँ, आली जनाब जनाब फखरी मेरे साहब की खिदमत में वो आए और अपने कलाम से मोमिनों को मुरब्बर करें, आप लोग इनके इस्तकबाल में दोनों हालत बुलंद करके एक नजफ रसाई नारा नारा हैदरी हैदरी इस नूरानी जश्न की मुबारकबाद आप हजरात की खिदमत में पेश करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि इस जश्न के हकीकी वारिस की खिदमत में इस जश्न की मुबारकबाद
एक बावाज बुलंद नारे सलवात के जरिए पेश फरमाएं। भाई माइक में इको थोड़ा घटा दीजिए, बेस और वॉल्यूम बढ़ा दीजिए। मैं बिल्कुल सट के पढ़ने का आदी नहीं हूँ, थोड़ा सा दूर से पढ़ लूँ, ये कैच कर ले मेरी आवाज़, बस इतना ठीक कर दीजिए प्लीज। एक दुरूद पढ़ दें आप हज़रात बाआवाज़े बुलंद। बहुत नूरानी जश्न हो रहा है, बहुत बेदार समातें, और यकीनी तौर पे मैं शुक्रगुजार हूँ भाई शबरोज़ कानपुरी का कि उन्होंने उस कैफियत पे ला के जश्न को पहुँचा दिया है कि किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेदार और आमादा समातें, बस सीधे से शेर पढ़ना है, आप लोग शामिल हो जाएंगे। और जहाँ उन्होंने बात छोड़ी है वहीं से एक बात शुरू कर देता हूँ, हदिया समात करता हूँ। मेरे मौला के फरेरे की हवा बाकी है, सलामत रहिए। मेरे मौला के फरेरे की हवा बाकी है, हश्र तक फातिमा जहरा की दुआ बाकी है। मेरे मौला के फरेरे की हवा बाकी है, हश्र तक फातिमा जहरा की दुआ बाकी है। मारका जीत लिया जैनब ने, मिट गया तख्ते सितम फर्शे अज़ा बाकी है, सलामत रहिए। मारका जीत लिया जैनब ने, मिट गया तख्ते सितम, मारका जीत लिया जैनब ने, मिट गया तख्ते सितम फर्शे अज़ा बाकी है। जहां शबरोज आपने छोड़ा है वहीं ले आता हूं। मारका जीत लिया जैनब ने, मिट गया तख्ते सितम फर्शे अज़ा बाकी है। कल्बे अब्बास के अरमान कहां निकले थे, इतनी खामोशी से पढ़ने का आदी नहीं हूं, शामिल हो जाइए जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है। मेरे मौला के फरेरे की हवा बाकी है, भाई आवाज आ रही है अब तक? अगर आपकी 25% भी मुझ तक आती रहेगी तो बात उसी कैफियत से बनती रहेगी जितनी मेरी आप तक जा रही है, मेहरबानी। मेरे मौला के फरेरे की हवा बाकी है, हश्र तक फातिमा जहरा की दुआ बाकी है। मारका जीत लिया ज़ैनब ने, मिट गया तख्त सितम फर्शे अज़ा बाकी है। कल्बे अब्बास के अरमान कहां निकले थे, जज्बाए नुसरत शाहे शुहदा बाकी है। कल्बे अब्बास के अरमान कहां निकले थे, जज्बाए नुसरत शाहे शुहदा बाकी है। पर्दाए गैब में है एक अलमदार अभी अब्बास के हिस्से की निगाह बाकी पर पर्दाए गैब में है एक अलमदार अभी अब्बास के हिस्से की वगा बाकी है। ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे यही मिसरा पढ़ूंगा। ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे यही मिसरा पढ़ूंगा। ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला। तुम दिल से पुकारो तो यही आए, याली 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 याली। ये किसने कहा है कि नहीं आएंगे मौला, तुम दिल से पुकारो तो यही आएंगे मौला। ये सोच के आंगन में सजाया है फरेरा, जिस घर में अलम होगा वही आएंगे। ये सोच के आंगन में सजाया है फरेरा, जिस घर में अलम होगा वही आएंगे मौला, जिस घर में अलम होगा वही आएंगे मौला। सजी है महफिल मिधत खुदा का शुक्र करो, सजी है महफिल मिधत खुदा का शुक्र करो। बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो। तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो। जिसके नाम जन्नत नहीं होती फखरी मेटी उसे शेर नहीं सुनाता, और आपके नाम जन्नत है तो खुश होने की बात है, बताइए हमारे नाम जन्नत है। सजी है महफिल मिधत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो। तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो। अली से है जो मोहब्बत खुदा का शुक्र करो,
अली वली की बहुत सुकून से पढ़ता हूँ, थोड़ा सा जब तक आप सुकून से मेरे साथ हो जाएंगे तब आपकी खिदमत उसी कैफियत से होगी जैसे आप सुन रहे हैं, मैं वैसे ही पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, उसी कैफियत से आइए। जैसे जैसे आप लोग मेरे साथ जुड़ते रहेंगे वैसे वैसे आपकी खिदमत होती रहेगी। और देखिए ये हाफजे की बयाज है, मेरे पास डायरी वायरी रहती नहीं है, ये हाफजे की बयाज है, इसके पन्ने दांत की हवा से पलटते हैं। आप दांत की हवा चलाते रहिए, बयाज के पन्ने पलटते रहेंगे। बहुत दिन बाद आया हूं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए लेकिन सुनने की ड्यूटी आपकी है, आप कैसे सुनते हैं। और इस वक्त लाइव चल रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हमारे पढ़ने को कोई नहीं देखता कि हम कैसे पढ़ते हैं, आपके सुनने को देखा जाता है। ये जो कैमराज है ये आपको मॉनिटर कर रहे हैं कि मौवा सुनता कैसे है। सजी है महफिल मिदहत खुदा का शुक्र करो, बुलंदियों पे है किस्मत खुदा का शुक्र करो, तुम्हारे नाम है जन्नत खुदा का शुक्र करो, अली से है जो मोहब्बत खुदा का शुक्र करो, अली वली की मोहब्बत नहीं है सबके लिए, शरफ ये वक्फ है अच्छे हसब नसब के लिए। सलामत रहिए, सलामत रहिए, थोड़ा सा जागते रहिए, खिदमत होती रहेगी। नबियों की, गिलमात की, जिन्नात की, इंसान की, नबियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदर करार ने आसान की। नबियों की, गिलमान की, जिन्नात की, इंसान की, सबकी मुश्किल हैदर करार ने आसान की। आ गया खत्म रसूल की गोद में पहला इमाम, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। आ गया खत्म रसूल की गोद में पहला इमाम, गुफ्तगू होने लगी कुरान से कुरान की। हुर का इस्तकबाल करके ये सबक शहने दिया, जैसे मुमकिन हो सके खातिर करो मेहमान की। हुर का इस्तकबाल करके ये सबक शहने दिया, जैसे मुमकिन हो सके खातिर करो मेहमान की। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है जो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता। ये मेरी माँ ने बताया था मुझको बचपन में, अली का जिक्र मुसीबत को टाल देता है। सबूत मिल गया ये नूह के सफीने से, सबूत मिल गया ये नूह के सफीने से, अली का नाम भंवर से निकाल देता है। सबूत मिल गया ये नूह के सफीने से, अली का नाम भंवर से निकाल देता है। ये मौजजा भी है अब्बास के भतीजे का, ये मौजजा भी है अब्बास के भतीजे का जो हौसले को तबस्सुम में ढाल देता है। ये मौजजा भी है अब्बास के भतीजे का जो हौसले को तबस्सुम में ढाल देता है। कमान छूट गई हुरमला के हाथों से, कमान छूट गई हुरमला के हाथों से, तबस्सुम अली असगर मिसाल देता है। जमाने भर की हर एक जंग का उसूल है ये, जो हारता है वो हथियार डाल देता है। जमाने भर की हर एक जंग का उसूल है ये, जो हारता है वो हथियार डाल देता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये, जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये फाके करके भी दुनिया को पाल देता है। जमाने वालों मोहम्मद का खानदान है ये, जमाने वालों मोहम्मद जिंदाबाद। हाजिर करता हूं, कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले, कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले, सही है यहां से सही, कोई हमदर्द नगमखार अली से पहले,
जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, कोई हमदर्द न गमखार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले, जिसका जी चाहे वो काबे से गवाही ले ले, दर में बदली कभी दीवार अली से पहले, सात नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सात नस्लों का जो ईमान परख लेती है, किसके हाथ आई वो तलवार अली से पहले, सात नस्लों पे नजर डाल के हमला करना, जानता कौन था ये वार अली से पहले, जानता कौन था ये वार अली से पहले। यहीं से मतला रिपीट करता हूं और शेर आपकी समातों की अदालत में रखता हूं। कोई हमदर्द नगम खार अली से पहले, कोई हमदर्द नगम खार अली से पहले, जिंदगी थी बड़ी दुश्वार अली से पहले, रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रुतबा पहचान मुसलमान अबू तालिब का, ये है अहमद के मददगार अली से पहले। कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे। कलाम पाक की आयत तो पेश कर कोई, किसी यकीन किसी इम्कान की दलील तो दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे। मैं मान लूंगा किसी और को नबी का वसी, गदीर जैसे एक ऐलान की दलील तो दे। अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, अली के बाप को काफिर बता रहा है मगर, तू अपने बाप के ईमान की दलील तो दे। तू अपने बाप के एक मतला दो तीन शेर पढ़ता हूं इस वक्त की अदम आखिरी गुफ्तगु, फिर इंशाल्लाह अगले राउंड में अगर तवज्जो से आप अगर सुनेंगे तो कुछ आपकी बेहतर खिदमत करने की कोशिश करूंगा। मतला गुजारिश करता हूं। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, अलम से और अलम की, शेर पढ़ा नहीं जाता है पढ़वाया जाता है, जिस कैफियत से आप सुनेंगे उसी कैफियत से मैं पढ़ूंगा। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, आधी दुनिया से दाद लेने के बाद महुआ आया हूं। पहली महफिल नहीं पढ़ रहा हूं, पहली महफिल नहीं पढ़ रहा हूं, ये मेरी पहली महफिल नहीं है कि मैं मेरठ से निकल के सीधे महुआ आया हूं। आधी दुनिया में दाद लेने के बाद आपके स्टेज पे खड़ा हूं, तो मेरे पढ़ने में कोई कोताही नहीं है। आपके सुनने पे क्वेश्चन मार्क लगेगा कि आप सुनता कैसे हैं। मैं तो वही पढ़ता हूं जो पूरी दुनिया में पढ़ता हूं। शामिल हो जाइए, जितने लोग अपनी कैफियत के साथ शामिल हो, अपनी हाजिरी दर्ज कराएं मौला की बारगाह में। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। अलम से और अलम की हवा से जलने लगे, जो बेवफा थे वो जिक्र वफा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। कदम कदम पे उन्हें मुश्किलों ने घेर लिया, वो बदनसीब जो मुश्किल कुशा से जलने लगे। अलम को छोड़ के मैदा से भागने वाले, अलम को छोड़ के मैदा से भागने वाले, हसब की आग में शेरे खुदा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा, किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा, मरीज अकल जो खाके शिफा से जलने लगे। किसी दवा से उन्हें फायदा नहीं होगा, मरीज अकल जो खाके शिफा से जलने लगे, मरीज अकल जो खाके शिफा से जलने लगे। कहीं सुना था, कहीं सुना था, कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, पता नहीं कहा गया। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अशके अज़ा से जलते हैं। कहीं सुना था कि पानी से आग लगती है, जिंदाबाद।
वही सुना था कि पानी से आग लगती है, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे, मगर ये लोग तो अश्के अज़ा से जलने लगे। अश्के अज़ा तक बात आ गई है, एक कथा पढ़ देता हूँ। दो मंजर है, मतलब में एक मंजर है, शेर में दूसरा मंजर है। भैया प्लीज थोड़ा सा तवज्जो दे, कोई शिकायत नहीं आपसे, जैसे सुनना चाहे वैसे सुनिए, क्योंकि हम लोग अपने शेर के जिम्मेदार हैं, आपके सुनने के जिम्मेदार ही नहीं है। आपका पार्ट सुनने का है, हमारा पार्ट पढ़ने का। हम अपने अपना पूरा काम कर रहे हैं, हमारा काम अपने हिस्से का पूरा मुकम्मल। और मैं यकीनी तौर पर महुआ की वीडियो भी अपलोड करते रहते हैं भोजानी भाई और हमारे नईम भाई, तो यकीनी तौर पे मौवा की जो आज़ादारी का और एक्टिविटीज़ का जो ग्राफ है उसको इन्होंने बहुत डेवलप किया है। उस कैफियत से पूरी दुनिया के सामने मौवा की कैफियत को जो लाए हैं लोग, बहुत बड़ा इनके लिए मुबारकबाद का मौका है। और बहुत दिन के बाद मौवा आया हूँ, यकीनी तौर पे इस वक्त जो पढ़ रहा हूँ तो लग रहा या तो मैं फखरी नहीं हूँ या तो ये मौवा नहीं है, एक गड़बड़ कहीं ना कहीं जरूर है। इन मिसरों से मेरे साथ शामिल होकर बताइएगा कि मैं भी फखरी हूँ और ये भी वही मौवा है जिसे मैं जानता हूँ। मैं पढ़ता हूँ, मतले में एक मंजर है, शेर में दूसरा मंजर है। मेरे बच्चों जुड़ जाना जरा। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू। कितनी बार पढूं मिश्रा? इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू। सलामत रहिए, क्या कैफियत है, बस यही चाहता हूं, इसी कैफियत से सुनिए, सलामत रहिए। आंखों में फूलों की तरह खिले और पलकों से हिजरत के लिए हिले, जब आंखों से हिजरत कर ली आंसुओं ने, मंजर बदल गया, कहां पहुंचे वो कैफियत पेश करता हूं, शामिल हो जाइएगा। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर। इन आंखों रहिए, इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं। शहजादी कौन है इनके रूम, बहुत शुक्रगुजार हूँ आप हजरात का, बहुत शुक्रिया। इन आंखों में बस इस कैफियत से सुनिए, इंशाल्लाह बेहतर खिदमत होगी। इन आंखों में फूलों की तरह यकीनी तौर पे शबरोज ने बहुत मेहनत से पढ़ा, आपने सुना, और घंटा सवा घंटा जब कोई शायर पढ़ के हटता है तो थोड़ी सी वो कैफियत आती है। मुझे कोई शिकायत नहीं जिस कैफियत से आपने सुना, लेकिन यहाँ से आप जुड़ रहे हैं तो उस कैफियत से जुड़ के आइए, थोड़ी देर और खिदमत हो जाए, फिर इंशाल्लाह अगले राउंड में आपकी खिदमत करूंगा बेहतर तरीके से, जैसे आप सुनेंगे इंशाल्लाह। इन आंखों में फूलों की तरह खिलते हैं आंसू और पलकों से हिजरत के लिए हिलते हैं आंसू, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर, शहजादी कौनैन के रूमाल में जाकर सज्जाद के अश्कों से गले मिलते हैं आंसू। फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल है डरते नहीं तादाद से। सलामत रहिए। फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल है डरते नहीं तादाद से, मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, ये सबक हमको मिला है सैयद सज्जाद।
मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं। ये सबक हमको मिला है सैयद सज्जाद से, ला फता इल्ला अली से बात साबित हो गई, ला फता इल्ला अली से बात साबित हो गई। कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से। ला फता इल्ला अली से बात साबित हो गई, ला फता इल्ला अली से बात साबित हो गई। अभी ऐसा कोई शेर नहीं पढ़ा है मैंने जो सीधा पढ़ के आपके सामने पढ़ रहा हूं कहने के बाद। पूरा इंडिया नहीं तो आधे इंडिया से दाद ले चुका हूं जिन शेरों पे वो पढ़ रहा हूं। अगर आप उसको उस कैफियत से नहीं सुनेंगे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पढ़ता हूं। फूल से है जिस्म लेकिन हौसले फौलाद से, ये अली के लाल हैं डरते नहीं तादाद से, मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं। ये सबक हमको मिला है सैयद सज्जाद से, लापता इल्ला अली से बात साबित हो गई। कोई जीता ही नहीं जिब्रील के उस्ताद से, वो यजीदी नस्ल की फहरिस्त में शामिल हुआ। पता नहीं कहोगे आप, वो यजीदी नस्ल की। गाठिया खाने की इजाजत है, मूंगफली खाने की इजाजत है, मसाला खाने की इजाजत है, सब इजाजत है, लेकिन अपना शेर खाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। मकसद हक बेड़ियों में कैद हो सकता नहीं, ये सबक हमको मिला है सैयद सज्जाद के, वो यजीदी नस्ल की फहरिस्त में शामिल हुआ। जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद, वो यजीदी नस्ल की फहरिस्त में। नस्ल की फेरिस्त में शामिल हुआ, वो यजीदी नस्ल की फेरिस्त में शामिल हुआ, वो यजीदी नस्ल की फेरिस्त में शामिल हुआ। जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम, या अली या अली, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। आखिरी शेर जहां तक मेरी आवाज पहुंचती पड़ता हूं, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। बेटे बहुत देर से देख रहा हूं, छूट एक टाइम की देता हूं, आपके दाद नहीं दीदा लो पैसे ले लूंगा। वो यजीदी नस्ल की फेरिस्त में शामिल हुआ, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, शामिल हैं, मुतवज्जे हैं। कहां तक आवाज आ रही है जरा एक बार बता दीजिएगा, आ रही है आपको आवाज, आपकी नहीं आ रही, मेरे पास इस शेर में आ जानी चाहिए, बात बढ़ जाएगी आगे। भाई साहब थोड़ा मोहब्बत से। वो यजीदी नस्ल की फेरिस्त में शामिल हुआ, जो भी टकराया अबू तालिब तेरी औलाद से, हम हुसैनी हैं हबीब इब्ने मज़ाहिर की कसम। दोस्ती करते हैं अच्छी नस्ल के अफराद से, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया, याली याली, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया। कैसे बैत मांगता वो सैयद सज्जाद, जिसको असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया। असगर के तबस्सुम ही ने गूंगा कर दिया। कैसे बैत मांगता वो सैयद सज्जाद से, कैसे बैत मांगता वो सैयद सज्जाद से। एक मतला
और दो शेर पढ़ता हूँ आज के अंत में, ये आखिरी गुफ्तगू इस वक्त की, उसके बाद इंशाल्लाह दोबारा आप हुक्म देंगे। जिस कैफियत से आप सुनेंगे, बेहतर ढंग से सुनेंगे, बेहतर खिदमत की कोशिश करूंगा। मतलब गुजारिश करता हूँ, जर्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, जर्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई। ऐसा ना लगे इस वक्त कि यहां मेरी बात खत्म हो रही है, यहां लगे कि मेरी बात यहां से शुरू हो रही है। जर्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। जर्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। अरे कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली है। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे, मौलाना जाफर रिजवी साहब इस शेर में आपको शामिल करता हूं, आपके तवसुल से तमाम मोमिनीन तक पहुंचाता हूं। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। इस राउंड की मेरी बात इस शेर पर मुकम्मल हो रही है, ऐसा ना लगे कि मेरी बात यहां खत्म हो रही है, ऐसा लगे कि बात शुरू हो रही है। शामिल हो जाइएगा इस शेर में, मैं अपना दिल निकाल के आपकी हथेली पर रख रहा हूं। जर्ब बेशीर की मैदान में खाली न गई, उसके रुखसार से फिर फतह की लाली न गई। कैसे सज्जाद की तकरीर का देते वो जवाब, बेजबानी की हंसी जिनसे संभाली न गई। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। कितनी बार पढ़ूं मिसरा, खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। खुद लगाए थे जो खेमे वो हटाए खुद ही। बात जैनब की थी, अब बात से टाली न गई। खुद लगाए